हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ये एक, मैंने तो ये डोरमेट बनाया है, पर आप इसी तरह से बच्चों के ब्लैंकेट भी बना सकते हैं या फिर उनके लिए मफलर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो भी आप अपना निटिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं ये आप बना सकते हैं। ये बेसिकली मैंने ऊन से बनाया है, ये ऊन पॉम्पम ऊन के नाम से जानी जाती है। ये देखिए, ये इस तरह की वूल होती है, ये देखिए। और ये पॉम्पम साइज और कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज में आते हैं। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इससे बनाया है। और ये बनाना बिल्कुल ही इजी है, एज अ बिगनर हो आप तो भी आप इस आसानी से बना सकते हैं। और ये बनने के बाद इसका लुक बिल्कुल रेडीमेड की तरह आता है, बिल्कुल ये नहीं लगता कि आपने इसे हाथ से बनाया है। ये देखिए, मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो शेड में बनाया है, ये क्रीम कलर की ऊन है और एक ये पर्पल कलर की ऊन है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। और मैंने ये सिलाइयों से बनाया है और 8 नंबर की सिलाइयां मैंने यूज की हैं। इसमें बेसिकली मोटी सिलाइयां यूज होती है। अगर आपके पास 7 नंबर या 6 नंबर की है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास 8 नंबर की थी तो मैंने उन्हें यूज करके बनाया। तो चलिए मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह की वूल चाहिए होगी। ये देखिए, ये इस तरह के, इसमें आपको मैं क्लोजली दिखाती हूँ, इस तरह की ये देखिए पॉम्पॉम इसमें है और इतनी दूर में ये वूल है, इतनी दूर में पॉम्पॉम है। तो ये आपको मैं बता दूं कि इसमें बड़ा छोटा कई साइज में ये वूल अवेलेबल होती है। ये देखिए, इस तरह की ये मिलती है। तो इसमें आप कई कलर अवेलेबल होते हैं। तो ये मेरे पास अभी व्हाइट है, इसमें और भी बहुत से कलर आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें सिलाइयों की बताऊं तो आप इसमें मोटी वाली सिलाइयां ले। अभी फिलहाल देखिए मेरे पास 8 नंबर की सिलाइयां हैं, पर इसमें आप 7 और 6 भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये डोरमेट मैंने कैसे बनाया है और आप इस तरह से चाहे तो कैसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये वाली जो है इस चीज को छोड़ के यहाँ पे जो हमारी ये वूल है, इस तरह से हमें इसके फंदे कास्ट करने में आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये यहां से हमें सेंटर में से पकड़ के और इस तरह से इससे ट्विस्ट करना है। देखिए फिर से बताती हूँ मैं, ऐसे हमने सेंटर में से ये वूल पकड़ी और इसे हमने ऐसे ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके हमें इसे सिलाई पे इस तरह से डाल देना है। ये देखिए, फिर इस तरह से ट्विस्ट करना है और इसे सिलाई पे इस तरह से डाल देना है। तो ये हमारे इसके फंदे इस तरह से कास्ट होंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इस तरह से इसे सिलाई पे डाल देना है। देन फिर इस तरह से करना है और फिर डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से इसके फंदों की कास्टिंग होगी। तो इस तरह से आपको जो कुछ भी बनाना है तो आप इसके अकॉर्डिंग इसकी फंदों की कास्टिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको जितनी चौड़ी चीज बनानी है उतनी आप इस तरह से इसके फंदे ज्यादा लें, और अगर आपको कम फंदे चाहिए तो आप कम फंदे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी फिलहाल मैंने इसमें 2, 4, 6, 7 और एक ही 8 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि 8 फंदों में ही देखिए इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए ये किस तरह से बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये फंदे इस तरह से हमने कास्ट कर लिए। अब हम जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं इस तरह से बुनेंगे, और जो हमारी ये यार्न है, ये जो वून है, ये हमारी वूल यहाँ पे, इससे हम इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर दूसरे फंदे में ऐसे डाला। अब हम इस यार्न को यहां से नहीं पकड़ेंगे, ये पॉम्पम भी छोड़ के यहां से जो वूल है इससे हम इस तरह से निटिंग करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लूप में डालेंगे, देन फिर यहां से फिर इस तरह से सीधा बुन लिया, फिर इस तरह से यहां पे डाला, फिर ये इस तरह बन गया, और फिर नेक्स्ट आपको जो ये सेंटर में जो आपको दिखाई दे रही है इससे आपको सिर्फ एक ही फंदा बुनना है। और इसमें और भी बड़ी आती हैं, अभी इसके जो ये स्पेस है कम है, और कई जो इससे बड़े बड़े पॉम्पॉम की आती हैं उनका स्पेस इतना होता है, तो उससे आप 2 फंदे भी बुन सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपकी वूल कैसी है। अभी इसमें फिलहाल स्पेस कम है तो इसमें एक ही फंदा बुना जा रहा है, तो इसमें मैं एक फंदा बुन रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारी इस तरह से बन गई। फिर सेकंड रो में भी हम इसी तरह करेंगे,
इस तरह से। इसमें हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए, ये इस तरह से बुन लिया, फिर नेक्स्ट फंदे में डाला, फिर यहाँ से। बस आपको बिल्कुल इजी है ये बनाने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये इस तरह से सीधा फंदा जिस तरह से बुनते हैं, इसी तरह से आप बुनते जाएं। आपको दोनों साइड से ही सीधा सीधा बुनना है। और आप सिलाई, अगर आपके पास मोटी है तो आप मोटी ले लें। मेरे पास फिलहाल 8 नंबर की थी तो मैंने 8 नंबर की सिलाई लगाई है। अगर आपके पास 7 या 6 की है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बुना जाएगा। मैं आपको अभी और 2-4 सिलाइयाँ निकाल के दिखाती हूँ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बनता है। और इसमें इसकी जो ये वूल है, इसमें बहुत से कलर आते हैं। आपको जौन सा भी कलर अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर आप इसमें जिस तरह मैंने ये 2 कलर का बनाया है तो आप इस तरह से 2 रंग की ऊन से भी बना सकते हैं। अगर आप इससे मफलर बनाएंगे या ब्लैंकेट बनाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आएगा, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि ये घर की बनी हुई है। ये देखिए, इसी तरह से आप सिलाइयां सीधे सीधे दोनों साइड बुनते जाएं और इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं, तो फिर बस। और लास्ट में जब आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए तो जिस तरह से हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं, इस तरह से कर दें सारे फंदों को दो का एक बुनते हुए। ये देखिए, ये बनने के बाद देखिए इस तरह से लगेगा। ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। और ये देखिए, ये दोनों इस साइड से इसी तरह से लगेगा। एक बार हमारी सीधी सिलाई आती है तो हमारा जो ये पम्पम है ये साइड हो जाता है, फिर हम दूसरे साइड से सीधी बुनते हैं तो ये इस साइड हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने ऊपर तक बना लिया और आपको सिलाइयां निकाल के दिखा दी। ये देखिए बनने के बाद इस तरह से लगेगा। और आप जितना बड़ा बनाना चाहें इसे आप बना सकते हैं, या जितनी चौड़ाई आपको चाहिए, लंबाई चाहिए, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो एज अ मफलर, ब्लैंकेट या फिर डोर मैट या जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लंबाई या चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कितना चौड़ा हो गया। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और ऊपर जब आपका ये कम्प्लीट हो जाए तो फिर सारे फंदों को आप घटा दें, जिस तरह की आप स्वेटर बनाते हैं इस तरह से घटाते हैं। तो फिर देखिए बनने के बाद इस तरह से लगेगा। और मैंने इसमें 2 कलर का यूज किया था, मेरे पास ये 2 कलर के पम्पम वाली ऊन थी। तो अगर आप भी इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर आप और कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप मल्टी कलर की वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये पम्पम वाली ऊन है, इसमें एक ही वूल में भी कई तरह के शेड आते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जगह जगह ये जो एक ही कलर के पॉम्पॉम है, ये जगह जगह अलग अलग कलर के हो जाएंगे, तो ये उससे भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही इजी है बनाने में, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। और ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल इजी है। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस की बात करो तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, ये बहुत ही फेदर लाइक टेक्स्चर है इसका, देखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट करें, ताकि इस तरह की जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।